बिजली सीधी वहां से टकराई तो ये साइड का जलता हुआ चला आया और नीचे यहाँ पे जो खंभे के पास था ना लड़का, उसी की जान गई है सिर्फ, जो इस कोने पे था यही था ना कल वो जो हुआ। कहाँ का है? गरदहा का। कहाँ का है? गरदहा का। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुष्का से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को बताया, मैं अभी मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर एक कल बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, मैं अभी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अमीन नगर कस्बे में मौजूद हूँ। गाँव कहें या कस्बा कहें, काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पर कल एक हादसा हुआ जो कि एक ताजिया जो है 2-2.5 लाख वोल्ट की बिजली के तार से टकरा गया और उसके चलते एक आदमी की जान चली गई और करीब 17 लोग घायल हो चुके हैं और जो कि अस्पतालों में भी भर्ती हैं। वो ताजिया जो जला, शायद उसको किसी ने नहीं दिखाया अभी तक ग्राउंड पर पहुँच के, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देते हैं। और यहाँ पर भी ताजिया का दफन हो रहा है क्योंकि यहाँ अमीन नगर के कल ताजिया थे, कल ही ये हादसा हुआ था, उठा के लोग ला रहे थे। ठीक है, तो बाकी ये ताजिया रखा कहाँ पे है जो कल बिजली से जला, जिसकी जो है गूंज हर यूट्यूब चैनल तक पहुँची और हर मीडिया वाले तक पहुँची और हर मीडिया पे दिखाया गया, हर मतलब मीडिया के चैनल पर दिखाया गया। और लखीमपुर खीरी का ये अमीन नगर का हादसा जो कि काफ़ी बड़ा हुआ है, तो चलिए वो दिखाते हैं। ताजिया आप लोग को मेरे पीछे यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद उसका दफन किया जाएगा। ठीक है, तो वो ताजिया कहाँ रखा है, कैसे क्या जला, कितना जला, कितना ऊँचा था कि तार में लग गया, टकरा गया, क्या लापरवाही है, सारा कुछ वो दिखाते हैं। उसी जगह मौजूद है और वो ताजिया यहीं पे कल ही पहुंचा दिया गया था, उसका दफन जो है आज हो रहा है। भाई यहाँ पर ये चलता रहता है अमीन नगर के ताजिया का मेला, जो कि अभी भी झूले वगैरह चल रहे हैं। और ये सामने जो है वो अमीन नगर का पूरा कस्बा है, काफ़ी मार्केट हो गई है, बड़ा हो गया है तो कस्बा बन गया। और यहाँ पर देखिए ताजिया को लाया गया है बाकायदा, क्योंकि इनको यहाँ पर दफन किया जाएगा। छोटे छोटे ताजियों के लिए देखो इस तरीके से गड्ढे होते हैं, इन्हीं में दफन होते हैं, और इन बड़े ताजिया के लिए बड़ा गड्ढा किया जाएगा, इनमें इनको दफन किया जाएगा। अभी वहाँ पे वो अमीन नगर वाला ताजिया रखा है, वो वाला उधर, उसकी भी तैयारी चल रही है दफन होने की गड्ढे के लिए। और जो जला था भाई ना, वो ये वाला था, देखो ये वाला, ये इसकी मुंडी भाई ऊपर लग गई थी तार में, इसकी वजह से ये जल गया था, और जिसके लगने से ही कितना बड़ा हादसा हो गया है ना। तो ये वाला ताजिया अगर बगल से दिखाते किस तरफ से जला है, और ऊँचा है, दूर से लग रहा है कि छोटा सा है, ऊँचा काफ़ी है ये। ये देखिए ये वाला, वो अच्छा भैया ये वाला है ना, वो कल जो वहाँ पे जला है ये वाला, ये कल ही उधर से जला है ना। हाँ ये वाला है भाई जो कल जला है, ये वाला ताजिया सामने से, ये है दूसरे गांव का ताजिया है, गदहा गरदहा गांव है। हाँ वहाँ का ये ताजिया है जो कि जल गया था कल भाई, और काफी बड़ा हादसा हो गया, मतलब सनसनी फैल गई एकदम लखीमपुर खीरी में, कितना बड़ा हादसा हो गया। अभी उसी जगह हम पहुंचे हैं जहां पर ताजिया का दफन चल रहा है। ये देखिए गड्ढे खोदे गए हैं, एक ताजिया यहां पे दफन भी हो गया, देखो ये इसे मिट्टी डालेंगे, उधर गड्ढे खोदना चालू हैं, अलग अलग करेंगे ये लोग। ये देखिए ये दफन होने की कगार पे खोल के पूरा तोड़ मड़ोल के दफन करते हैं, और ये देखिए गड्ढा खोदा जा रहा है, जैसे किसे कब्र नहीं बनाते हैं अब इन लोगों में, तो उसी तरीके से इस तरीके से भी बनाते हैं लोग, काफ़ी गड्ढे उधर खोदे गए, हर साल फिर यहीं पे दफन होंगे। और जो वो हादसा हुआ कल जो जला, वो ये था, ये देखिए किस तरीके से बिजली कड़की और इतना बड़ा हादसा हुआ। ये देखिए ऊपर की सारी बिखर गई हैं भाई, डंडिया टूट के ऊपर की वो जो चौन थी ना वो लग रही है, देखिए कितना कैमरा में ऊपर उठाना पड़ रहा है तब दिख रहा है, और ये पूरा जल गया एक साइड से, और बिजली सीधी वहां से टकराई तो ये साइड का जलता हुआ चला आया, और नीचे यहाँ पे जो खंभे के पास था ना लड़का, उसी की जान गई है सिर्फ, जो इस कोने पे था यही था ना कल वो जो हुआ। कहाँ का है? गरदहा का। कहाँ का है? गरदहा का। तो 15 लोग उसमें घायल भी हो गए ना। ये था भाई, इसी को यही कोने में लगा था, ये देखो पूरा जल गया भाई एक साइड से। ये पन्नी पे करंट बहुत जल्दी आता है, ये पन्नी चमके, अब बांस भी बता रहे गीला बांस रहा है ना, बांस गीला रहा है, इसकी वजह से ये बांस है जो ना
इस पे बहुत जल्दी करंट आएगा क्योंकि पूरी तरीके से सूखा नहीं है ना, इसमें कितने गीले बांस लगे ना, तो हाँ गीले बांस की वजह से ही तो ये उतरा है। यही वाला था भाई पूरा, ये पास से दिखाएंगे आप लोगों, तो कुछ इस तरीके का है देखो, क्योंकि पूरा ताजिया एक तरफ से जल गया है बिजली के तार में टकराने के बाद। ये देखिए किस तरीके से, काफी ऊंचा था, ऊपर से ये कंधे पर रखा होता है तो और ऊंचा हो जाता है, और करीब इतनी ही ऊंचाई पे उसका नीचे वाला तार था जो वो लाइन निकली थी लाइट की, वो मैं अभी दिखा के आप लोग को आया हूँ कि कितना मतलब पास में ही थी, ज्यादा ऊंची भी वो लाइन भी नहीं थी, लेकिन इसकी भी हाइट काफी है। उसके बाद वो कंधे पे रखा था तो उसकी हाइट और 5-6 फीट बढ़ जाती है। एक ही कोने में लाइट आई नीचे की तरफ, और इधर ही वो लड़का था बेचारा जिसकी जान गई इस हादसे की वजह से, कई लोग घायल हो गए। इधर का देखिए पूरा जल गया। ये बांस की जो फंटियां है ना अंदर, ये गीली हैं, इन पे गीले बांस पे बहुत जल्दी करंट आता है। एक बार मेरे भी 11,000 वाला करंट उतर आया था, बांस ऊपर टूट गया था। तो ये रहा वो ताजिया जो कि इसी घटना का मुख्य केंद्र है भाई, जिसकी वजह से ये घटना हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि दूर दूर तक इसका चर्चा हो गया और हर न्यूज चैनल पर भी दिखाया गया। देखिए इस तरीके से ताजिया खोल लेते हैं, खोलने के बाद तब दफन करते हैं, तो ज्यादा बड़ा इनको गड्ढा नहीं करना पड़ता है। नहीं तो ये चौकोर में कितने चौकोर होते, चाहे तो देखो कितना चौकोर है ये, कितने इसकी परत होगी, प्यास होगा, तो इसलिए फिर इनको इतना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। और ऐसे क्या है ये अलग अलग खोल लेते हैं तो फिर इनको आसानी हो जाती है और आराम से तोड़ मरोड़ के गड्ढे में कर लेते। देखिए इधर एक दफन हो गया तो उस पर मिट्टी डाल रहे हैं ये लोग, तो यही वो था ताजिया जिसकी वजह से कल ये हादसे का सामना करना पड़ा है। दूर इसी तरफ से अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो दूर से थोड़ा सा सही से दिख पाएगा। इधर देखिए इस पर भी मिट्टी भी डालनी बाकी है, यहाँ से दिखाएंगे तो ये ताजिया दूर से काफी छोटा लग रहा था लेकिन ये काफी बड़ा है। तो समझ में आ रहा है कि अच्छे खासे तरीके से बिजली एकदम कड़की थी, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो का वायरल हुआ है, कई लड़के वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, मतलब जैसे चलते वगैरह। हम लोग ही अपने त्योहारों में वीडियो बनाने लगते हैं, कोई त्यौहार होता तो गणेश चतुर्थी होती है, गणेश विसर्जन के लिए जब लोग जाते हैं तो कई लोग वीडियो बनाने लगते हैं नॉर्मली ऐसे, तो उसी तरीके से बना रहे थे लोग, जिनके कैमरे में ये कैद हो गया और काफ़ी बुरा हादसा हुआ और काफ़ी बुरे हादसे का सामना करना पड़ा। तो अभी ये यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत हम लोग सही टाइम पे आ गए कि आप लोगों को मैं इसका इसकी कंडीशन दिखा पाया कि किस तरीके से इसकी कंडीशन है, और यही वो था जो कि पूरा का पूरा एक तरफ से जल के खाक हो गया। होता कुछ नहीं इसमें है, बांस की पंटियाँ होती है, ऊपर से पन्नी से सजावट इसकी रहती है, काफ़ी बनाने में भी इसको टाइम लगता होगा, पर यह हादसा किसी न किसी भूल की वजह से हुआ है। लोगों के उत्साह ने भी इसको हादसे को अंजाम दिया, कुछ पुलिस की गलती ने भी इस हादसे को अंजाम दिया। गाइस अभी देखिए वही वाला अनूप फाइनली ये भी मिल गया हम लोगों को दिखाने के लिए, भी हमको मिल गया क्योंकि मौके पे हम लोग आ गए थे। व्यूअर्स एक बार जरूर चाहते होंगे कि वो दिखाया जाए ताजिया का भी क्या हुआ, तो वो ताजिया आज भी यहाँ पे है, अब उसको खोलना शुरू कर दिए हैं दफन के लिए, खोलना शुरू हो चुका क्योंकि एक लोग अंदर भी है और कुछ इनकी जो पार्ट है खोल के वहाँ साइड में रख भी दिया, उस पार्ट खोल के रख दिए गए हैं, बाकी दफन किया जाएगा तो इसके नीचे के जो पार्ट है थोड़े से वो कर दिए गए थे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को मैंने दिखाया कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ था, वो घटना स्थल भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है, और फिर घटना स्थल के बाद अभी हम अमीन नगर में पहुंचे जहाँ वो ताजिया रखा था जो कि जल गया था जिसकी वजह से ये हादसा हो गया, वो भी मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा दिया। यही वाला था ना भैया? यही वाला था, गर्दहा वाला था ना, ये कल ही यहाँ पे आ गया था। हाँ कल ही आ गया, तो बहुत लोग घायल हो गए यार इसमें, बेचारा लड़का भी बेचारा, 10-15 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, अस्पताल में भी है अब। हाँ इसका भी जो है दफन होने का समय हो गया है, बाकी शाम तक सारे दफन हो जाएंगे ना, शाम तक सारे दफन हो जाएंगे। चलिए अभी वो भी प्रक्रिया आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी यही वाला था, आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये था, अभी इसको खोलना भी शुरू कर दिया है, खोल खोल के थोड़े थोड़े पार्ट करके इसको करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहले विजिट करो, प्लीज को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो यहाँ पर यूजरनेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।